हेलो गाइस, आज जंगल मास की रेसिपी पेश है, इजी और टेस्टी। इस मेथड से बनी ये डिश आपको डेफिनेटली पसंद आएगी, क्योंकि ये इजी ही नहीं बहुत टेस्टी भी होती है। तो शुरू करते हैं जंगल मास बनाना। इसके लिए सबसे पहले हम मीट को मैरिनेट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जंगल मास बनाना। फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले तो हमने मीट ले लिया है, इसको हम मैरिनेट करेंगे। मीट आप जो आपको पसंद हो आप यूज़ कर सकती हैं। यहाँ पर हमने मटन लिया है, आप कोई भी ले सकती हैं। और पहले इसको बड़े बाउल में पलट लेंगे, जिससे इसमें जो भी चीज़ें पड़ें वो अच्छे से मैरिनेट हो जाए। तो सबसे पहले तो इसमें हम ये प्याज डालेंगे, टमाटर हैं रफली चॉप्ड, ये चॉप्ड की हुई अदरक है, लहसुन छिला हुआ, साबुत जीरा, पिसी लाल मिर्च, धनिया पाउडर और ये हल्दी पाउडर है। साथ ही इसमें अब नमक डालेंगे। तो नमक के साथ ही हमें ये लेमन जूस डालना है, इसको मिक्स कर देंगे। अब ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब इसको मैरिनेट करेंगे कम से कम 2 से 2.5 घंटे के लिए। तो हम इसको ढककर ऐसे ही रख देंगे। तो यहाँ पर हमने इसको ढक दिया, अब ऐसे ही छोड़ेंगे। तो अब मैरिनेट होते हुए 2 से 2.5 घंटे हो चुके हैं, अब हम इसको बघारेंगे। इसे बघारेंगे घी में। फ्रेंड, इसको यूं बघार रहे हैं क्योंकि बड़ा अच्छा टेस्ट आता है इसका घी में। आप चाहें तो ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो घी से तो आप ऑयल यूज़ कर लीजिए। तो अब यहाँ पर डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, एक पास में दालचीनी, इलायची है, जावित्री और थोड़ी सी लौंग और 4 से 5 काली मिर्च। और साथ ही इसमें डाल देंगे ये मैरिनेटेड मीट, मिक्स करेंगे। साथ ही थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसको गलाने के लिए। इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो गया है, अब इसको ढक देंगे और लो फ्लेम पर आहिस्ता आहिस्ता पकने देंगे, कम से कम 25 से 30 मिनट के लिए। अब फ्रेंड्स, इसको पकते हुए कम से कम 30 मिनट हो चुके हैं, बीच बीच में इसको चेक करते रहे थे। देखने से ही लग रहा है कि ये गल चुका है, बस इसको अब अच्छे से भूनना है कि इसका इसमें से ऑयल अलग हो जाए। तो चलिए भून लेते हैं इसका ऑयल अलग होने तक। अब इसमें से ऑयल अलग हो चुका है, बहुत अच्छे से भून चुका है ये, आप देख सकते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता पकने की वजह से इसमें जितने भी मसाले थे जो हमने साबित ही डाले थे, खड़े मसाले थे सारे के सारे, जो भी चीज़ें इसमें थी, प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, सब बहुत अच्छे से इसके अंदर एब्जॉर्ब हो चुकी है। तो गैस को बंद कर देते हैं और इसको डिश आउट कर। तो फ्रेंड्स, ये बन के तैयार है जंगल मास। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ये पुदीना, हरा धनिया भी आप डाल सकते हैं, लेकिन पुदीने का फ्लेवर इसमें अच्छा आता है। फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी रेसिपीज पसंद आती हैं तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, वक्त है आज की टिप का, और टिप है आप अपने बालों की हर प्रॉब्लम के लिए एलोवेरा का यूज़ करें। अगर आपके पास एलोवेरा अवेलेबल है घर में, या आपने उसे लगा रखा है, या मार्केट से आप आसानी से ला सकती हैं, तो आप बालों की हर प्रॉब्लम के लिए एलोवेरा का ही यूज़ करें। आपको बालों के लिए तरह तरह की चीज़ों के यूज़ की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। सिर्फ बालों को काला करने के अलावा सारे काम एलोवेरा करेगा।
तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें कुछ टाइम, और फिर देखें आपके बाल कितने अच्छे हो जाएंगे हर लिहाज से। तो ये था आज का टिप। नेक्स्ट वीडियो में नए टिप के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।